वह काल जब पूरा देश इस्लामिक आक्रांताओं की भेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा था, मंदिर ढहाकर मस्जिदें बनाई जा रही, विधवाओं और हिंदू नारियों पर अत्याचार हो रहे, कई हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने को विवश किया जा रहा था। तब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवदीप गांव में चंद्रोदय हो चुका था। नवदीप गांव में नीम के पेड़ के नीचे माता शची देवी के गर्भ से महाप्रभु का जन्म हुआ। ऐसे अंधकार युग में जब हिंदू समाज अस्पृश्यता आडंबर जैसी सामाजिक कुरीतियों में उलझा हुआ था, तब चैतन्य महाप्रभु देवदूत की तरह अवतरित हुए। उनके माता पिता ने उनका नाम विश्वंभर रखा, लेकिन उन्हें अपने जीवन काल में कई नाम मिले। विश्वंभर नाम का बालक कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगा। जब मुस्लिम शासकों के भय से हिंदू समाज मानसिक रूप से कुंठा का जीवन जीने पर विवश था, चैतन्य महाप्रभु ने निर्भीक होकर धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, संगीत, कला से राष्ट्रीय संस्कृति को नया जीवन दिया। उन्होंने हरि संकीर्तन की अनूठी शैली से समाज में एकता और सद्भावना का संचार किया। पिता के निधन के पश्चात उन्होंने वैष्णव संत केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली और चैतन्य महाप्रभु बन गए। हिंदू समाज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण कर वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम भाव को सब कुछ मानने वाले महाप्रभु साधु असाधु, हिंदू मुसलमान, पवित्र अपवित्र, वैश्य पतित, ब्राह्मण में कोई भेद नहीं करते थे। वो सभी के प्रति गहरा प्रेम भाव रखते और सभी को गले लगा लेते। यही वजह है कि सैकड़ों मुसलमान उनके प्रेम में लीन हो गए और वैष्णव की दीक्षा लेकर उनके शिष्य बने। साथ ही जो लोग अपने धर्म से विमुख होकर बिखर गए थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर सनातन धर्म की मुख्य धारा में लौट आए, माला, तिलक और शिखा धारण करने लगे। एकादशी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और रामनवमी जैसे व्रत त्योहार मनाए जाने लगे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि तथाकथित बड़े कुल का ब्राह्मण होने से ही कोई भजन योग्य नहीं हो जाता। जो भगवान को भजता है वही बड़ा होता है, जो अभक्त है वह तुच्छ है। जिस नगरी में आप धूमधाम से कान्हा जी की रासलीला देखने और उनकी भक्ति में लीन होकर पहुंचते हैं, उस नगरी वृंदावन को भी चैतन्य महाप्रभु ने नया जीवन दिया। द्वापर युग की यह नगरी मुगल काल में जैसे विलुप्त ही हो गई थी, चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसी वृंदावन नगरी को अपनी कर्म भूमि बनाया और जगन्नाथ धाम से वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े। वर्ष 1515 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महाप्रभु वृंदावन पहुंचे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत किनारे राधा कुंड को अपना स्थान चुना और ब्रजवासियों को 5000 वर्ष पुराने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के बारे में न मात्र बताया, अपितु उन स्थलों की स्थापना भी करवाई। महाप्रभु ने अपने 6 मुख्य अनुयायी गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी से वृंदावन में 7 देवालयों की नींव रखवाई। इन्होंने वृंदावन में 7 वैष्णव मंदिर, गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर और गोकुलानंद मंदिर का निर्माण करवाया।
स्वामी प्रेमानंद की पुस्तक के अनुसार चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य बलभद्र भट्टाचार्य के साथ झारखंड के रास्ते वृंदावन के लिए निकले। उनकी यात्रा के दौरान जो भी संपर्क में आया उनका अनुयायी बनता चला गया। भील, संथाली आदि वनवासियों के गांव के गांव महाप्रभु के दर्शन कर उनके कीर्तन को सुनकर वैष्णव बन गए। इतना ही नहीं, गौरांग वृंदावन का उद्धार करने के बाद श्री जगन्नाथपुरी लौट आए और वहीं चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को विलीन कर लिया। सभी को साथ लेकर चलने की सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले चैतन्य महाप्रभु को शत शत नमन है।